हेलो दोस्तों, आज हम सीखने वाले सिक्के वाला क्वेश्चन जो आपके कॉम्पिटिशन एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट अपीयर होने वाले। आइए दोस्तों शुरुआत करते हैं। देखिए देखिए पहला क्वेश्चन आप सामने रहेगा। देखिए एक बैग में एक रुपए और देखिए एक बैग में एक रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के रखे हैं, है ना। कितने सिक्के रखे हैं? 378 सिक्के रखे हैं, ठीक है। अब कह रहा है कि इनका मूल्य अनुपात कितना है, मूल्य है ना, मूल्य क्या कह रहा है, मूल्य में जो अनुपात है वो है 13:11:7। देखो 13:11:7 और सिक्के कुल है 378 है, ठीक है। अब दोस्तों जब भी हम लोगों को कह दे कि ये सिक्के दे दे, सिक्कों की संख्या दे रखी है, और जब ये मूल्य दे दें तो फिर इनको रुपए में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अगर मूल्य नहीं दे तो केवल इनको जोड़कर इसका भाग लगा दें, ठीक है। लेकिन यहाँ पे इसने मूल्य दे रखा इसलिए इनको रुपए में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो देखिए इसमें क्या है, ये 1 रुपए का सिक्का है ना, तो इसमें 1 का गुणा करेंगे, ये 50 पैसे के सिक्के हैं। 50 पैसे में कितने, 2 सिक्के मिलकर 1 रुपये बनता है ना, तो इसमें 2 × 11। इसी प्रकार 25 पैसे में कितने सिक्के, 4 सिक्के मिलकर 1 रुपये बनता है, तो 4 × 7 = 378। इनको जोड़ दो, 13 × 13 = 11 × 22, 7 × 28 तो कितने होंगे, देखो 8 × 2 = 10 × 3 = 13, 5 × 1 और 3 × 2 = 5 = 6 है ना, 63। और यहाँ पे x का मान निकालेंगे तो 378/63। अब आपने पूछा है कि 25 पैसे सिक्के की संख्या, 50 पैसे सिक्कों की संख्या कितनी है, 50 पैसे के सिक्कों की संख्या बताना है। 50 पैसे का अनुपात कितना है, ये वाला है, कितना अनुपात अपना 22 है, कितना अनुपात है 22 है, अनुपात कितना हो गया 22, तो इसमें 22 का डिवाइड करेंगे। अब काट दें इसको, देखो 6 से काट दें, 6 × 3 = 18 + 8 = 1 = 36 × 37 यानी 6 बार कट जाएगा, और 22 × 6 = 132, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। 50 पैसे सिक्के कितने हो जाएंगे, 132 हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब प्रश्न में पूरा नहीं लिखूंगा, प्रश्न आप ऑटोमेटिकली समझें। देखिए अगला दूसरा क्वेश्चन नंबर आपका दूसरा रहेगा। देखो एक बैग में 1 रुपये 50 और 25 पैसे सिक्के, 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के रखे हैं, और सिक्कों की संख्या इनका अनुपात कितना है मूल्य में, 30:11:7 है, 30:11:7 है, और ये कुल कितना है, देखो 480 सिक्के हैं, कितने 480 सिक्के हैं, ठीक है। ये सिक्के हैं, 480 क्या है, सिक्के, ठीक है। कह रहा है 25 पैसे के सिक्के और सिक्के बताइए, 25 पैसे के सिक्कों की संख्या अपने को ज्ञात करनी है, ठीक है। अब दोस्तों देखने वाली बात है कि जो 1 रुपये है इसमें क्या है, 1 रुपये के सिक्के, तो इसमें 1 का मल्टीप्लाई होगा, है ना, ठीक है। यहाँ सिक्कों की संख्या दी है तो सिक्कों की संख्या मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। अगर यहाँ रुपए देगा तब इसमें भाग लगेगा, अभी रुपए नहीं दिया है, ठीक है। 11 ये 2 50 पैसे कितने सिक्के होते हैं, 2 सिक्के होते हैं, है ना, तो 2 × 11 धन यहाँ 25 पैसे कितने सिक्के, 4 × 7 कितना होगा, देखो 30 से कम 30, 11 × 22
7 × 28 जोड़ दें, 8 × 2 = 10 की सीप पर पिछला एक, और 3 × 2 = 5 यानी 8 80 आया है ना, कितना आया 80। और अब बस इनके 480/80 ठीक है, तो सीपर 8 × 8 = 48 यानी कि x का जो मान है उतना 6 आया, एक अनुपात का मान कितना है 6 आया। इसने पूछा है 25 पैसे के सिक्के, 25 पैसे का अनुपात कितना है दोस्तों 28 है, कितना है 28 है, 28 का गुणा करते हैं 6 × 8 = 48 का 8 × 4 लेकिन 12 × 4 = 16 168 इसका राइट आंसर हो जाएगा ठीक है, 168 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, तीसरा क्वेश्चन, आपको वीडियो अच्छा लगे लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर भी करते जाएं। देखिए एक तेरे में 1 रुपये 50 और 25 पैसे सिक्के हैं 340, एक रुपये 50 पैसे 25 पैसे सिक्के रखे हैं और कितने 340 रखे हैं और जिनका अनुपात है 5:4:1 है, 5:4:1 है और कितना 340। आपसे पूछा गया 25 पैसे कोई संख्या बताइए, देखो अब यहाँ पे क्या होगा, देखिए इसमें मल्टीप्लाई होगा यानी कि 1 रुपये में 1 का गुणा होगा, 50 पैसे 2 सिक्के 2 का गुणा होगा है ना, 2 × 4 और यहाँ पे 25 पैसे में 4 × 1 = कितना हो जाएगा 5 × 5 = 4 × 8 और 4 × 4 8 × 4 = 12 और 5 = 17 तो बराबर 340/17 × अब कितना पूछा इसने 25 पैसे किसी को संख्या, तो 25 पैसे किसी को अनुपात कितना है 4, 17 × 17 = 34 और 4 × 8 = 80 कितने होंगे 80 सिक्के होंगे। ये था आपका टाइप 1, अब चलेंगे हम टाइप 2 पे चलेंगे ठीक है दोस्तों, वीडियो लास्ट तक देखते रहिएगा, आज के बाद आपका कोई क्वेश्चन नहीं छूटेगा, आज के वीडियो देखने वाला आपको कोई क्वेश्चन नहीं छूटेगा, सिक्के के सारे क्वेश्चन आप सीख जाएंगे बड़ी ध्यान से, तो लास्ट तक देखते रहिएगा दोस्तों। टाइप 2, टाइप 2 देखते हैं, देखो 1 रुपये 50 और 25 पैसे सिक्के हैं, देखिए 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के रखे हैं और जिनका अनुपात कितना है 5:6:8 है, 5:6:8 है। अब इसने क्या करा, इसका मूल्य धन 60 रुपये, 60 रुपये दे दिया। अब सिक्कों की संख्या नहीं है, अब टाइप 2 में क्या है, सिक्कों की संख्या नहीं है, अब सिक्कों का धन दे दिया कि इतने उसके रुपये इतने हैं, तो इसको रुपये में कन्वर्ट करना पड़ेगा, इस अनुपात को क्या करना, रुपये में बदलना पड़ेगा। तो पहले सिक्के थे तब तो गुणा किया, सिक्कों की संख्या हो तब तो गुणा करना, और सिक्कों का मूल्य दे दे तो फिर भाग लगाना, फिर क्या करेंगे भाग लगाएंगे। अब दोस्तों यहाँ देखने वाली बात है कि 1 रुपये में कितना 1 सिक्का 1 का भाग लगेगा, यहाँ पे 50 पैसे में कितने सिक्के 2 का भाग लगेगा और 25 पैसे में कितने सिक्के 4 सिक्के मिलके 1 रुपये बनता है, तो 4 से भाग लगेगा, 1 का भाग लगा मतलब 5 × 2 = 6 × 4 = 8 2 × 3 = 5 × 10 60/10 यानी कि सीपर कट के बराबर आया 6, कितना आया 6 आया। अब आपको निकालना 50 पैसे की सिक्कों की संख्या, क्या पूछा है इसने 50 पैसों की सिक्कों की संख्या की है, ये वाला ऑप्शन पूछा है, तो इसका अनुपात कितना है 6, कितना है 6, तो इंटू 6 से मल्टीप्लाई करें 6
36 इसका राइट आंसर हो जाएगा, 36 सिक्के। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आएगा पांचवा नंबर का। देखिए, एक बैग में 50 पैसे सिक्को, अब सिक्के कैसे रखेंगे, 50 पैसे, 25 पैसे, 20 पैसे और 5 पैसे के सिक्के रखे हैं। ठीक है, और कह रहा है कि कुल रुपए हैं 40, रुपए कितने हैं 40, तो प्रत्येक प्रकार के कुल कितने सिक्के, प्रत्येक प्रकार के सिक्के कितने हैं ये पूछा है इसने, प्रत्येक प्रकार के सिक्के कितने हैं। देखो, तो अब मान लो कि प्रत्येक प्रकार सिक्के एक्स वैल्यू, एक सिक्का है, इसने कुछ दिया था ही नहीं, तो देखिए 50 पैसे का सिक्का वो क्या है, एक्स है। अब एक्स में कितने भाग लगेगा दोस्तों, 2 से भाग लगेगा, क्योंकि दो इसको रुपए में कन्वर्ट करने के लिए 2 से भाग लगाएंगे, है ना। 25 पैसे के सिक्के में कितने भाग लगेगा, ये भी एक्स है, लेकिन किससे भाग लगेगा, 4 से, क्योंकि एक रुपए में कितने सिक्के होते हैं, 4। इसी तरह 20 पैसे, इसमें कितने सिक्के होते हैं, 20 के 5 सिक्के होते हैं, कितने सिक्के, 5 सिक्के, बल्कि एक रुपये बनता है। 5 पैसे कितने सिक्के होते हैं, 5 पैसे सिक्के होते हैं दोस्तों 20, कितने सिक्के, 20 सिक्के मिलके एक रुपये बनता है बराबर 40, है ना, ये रुपये हैं। अब देखिए इनका एलसीएम लेते हैं कितना आएगा, 5-10 सबका एलसीएम लेते हैं कितना आएगा, 20 एलसीएम आएगा, कितना एलसीएम आएगा, 20, 10 × 20 दो धाम और 10 एक, 4×5 20, 5 एक, 5×4 20, 4 एक, 20×1 20 यानी कि एक कितना हो गया, 5×5 10 10×20 20x/20 बराबर 40, और 20 से 20 कट गया यानी कि x बराबर कितना आया, 40, ये अपना आंसर होगा। प्रत्येक प्रकार कितने सिक्के हो गए, 40 सिक्के। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो वीडियो लास्ट तक देखते रहिएगा, इस वीडियो देखने के बाद आपका कोई क्वेश्चन नहीं छूटेगा। छठा क्वेश्चन देखिए, सारे क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट और सभी क्वेश्चन पढ़ना जरूरी है। देखिए, एक बैग में 1 रुपए, 50 और 25 पैसे सिक्के रखे हैं। देखिए, देखिए 1 रुपये और 50 पैसे, 25 पैसे के सिक्के रखे हैं, 2, 4, 8 जिनका अनुपात क्या है, 2:4:8 है, और इनका रुपये कितना है, 840। ठीक है, तो आपको बताना है 25 पैसे के सिक्के कितने हैं, 25 पैसे के सिक्के कितने हैं, 25 पैसे कितने सिक्के, देखिए 25 पैसे कितने सिक्के हैं। अब इसमें क्या करेंगे, ये दिया है इसने रुपया, क्या दिया, रुपये दिया, जब रुपये दिए हैं तो आप इसको कैसे सोल्व करेंगे, देखिए इसको रुपये में बदलो, है ना, तो यहाँ 1 रुपये, 1 का डिवाइड, 1 का भाग लगेगा, इसमें कितना भाग लगेगा, 2 से भाग लगेगा, है ना, क्योंकि 1 रुपये में कितने 50 पैसे कितने सिक्के होते हैं, 2। इसी तरह 25 पैसे कितने सिक्के होते, 4। ठीक है, और डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 2 ही आएगा, धन 2×4 भाग लग गया, 4×8 2×4 6 कितना आया, 6, और 6 से भाग लगाएंगे तो देखो 6×6 और 2×6 = 24 0 बराबर 140, 140 और 140 में 25 पैसे कितने, 8, तो 8 का गुना 0
और 8 32 का 2 असला 3, 8 3 11, 1120 सिक्के होंगे। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। 25 पैसे वाले कितने सिक्के होंगे? 1120 होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों, कभी कभी सारे सिक्के पूछे तो सबको निकाल के योग कर सकते हो आप। क्वेश्चन नंबर 7 रहेगा आपका, देखिए 1 रुपए 25 और 25 पैसे के सिक्के हैं। देखिए 1 रुपए और 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के हैं और जिनका अनुपात है 5:6:8 है, 5:6:8 है और 3,360 रुपये, 360 रुपये है। अब देखो इसको रुपए में कन्वर्ट करना पड़ेगा, रुपए में बदलना पड़ेगा। देखिए तो इसको बदलेंगे कैसे, बदलेंगे 1 का डिवाइड करेंगे, 1 का भाग लगेगा। 50 पैसे वाले में 2 से डिवाइड करेंगे और 25 पैसे वाले में 4 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि 1 रुपए में 4 सिक्के होते हैं। यहाँ पे भाग लगाया कितना है, 5 आया, 2 3 6 और 4 2 11, 2 3 5 और 5 10 कितना हो गया, 10। तो 3,360 बटे 10, इस 10 से इसको डिवाइड कर देंगे, सिपर से सिपर करके बराबर कितना माना है, 336 एक सिक्के का माना है। अब आपसे जो सब जैसा भी पूछे वो 50 पैसे सिक्के पूछ रहा है, कितना पूछा उसने, 25 पैसे के सिक्के, 25 पैसे का मान कितना है, 8, इसको 8 से डिवाइड कर दो, 8 × 48 = 8 × 4 = 24 × 28 = 8 × 2 = 24 = 25 = 26 2688 सिक्के होंगे 25 पैसे वाले, ठीक है। तो इस तरीके से अपन सिक्कों को संख्या बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं, जितने रुपए उसको लिख दो उसको 1 रुपए वाले 1 से और 50 पैसे वाले 2 से भाग लगाए क्योंकि 2 सिक्के होते हैं, 25 पैसे वाले 4 से भाग लगाए क्योंकि 4 सिक्के होते हैं, 20 पैसे का पूछे तो उसमें 5 से भाग लगाए, 10 पैसे वाले में 10 का भाग लगाए, 5 पैसे सिक्के हो तो 20 का भाग लगाए, ठीक। और इसको ऐड कर दें, अगला क्वेश्चन 8वें नंबर का ये रहा आप सामने। देखिए अब देखो 1 रुपए में कितने सिक्के, 1 रुपए 50 पैसे 25 पैसे 20 पैसे और 5 सॉरी 20 पैसे तक सिक्के, 4 तरह के सिक्के रखे हैं ना, 20 पैसे के सिक्के भी इसमें हैं। अनुपात 1:2:4:5 देखो, 1:2:4:5 और इनका रुपए कितना है, 400। और आपसे पूछा गया है 20 पैसे सिक्के कितनी है, 20 पैसे वाली, इसका आपको आंसर निकालना है। अगर आपको समझ गए हैं तो इसका आंसर आप कमेंट कीजिए, कितना आंसर होगा, वीडियो स्किप कीजिए और इसके लिए आप कमेंट कीजिए कि अभी तक तो आप सीख गए हैं और अच्छी तरह सीख गए हैं, ताकि इसका आंसर कितना होगा कमेंट कीजिए, कितना आंसर होगा। देखिए देखिए 1 रुपए में कितना भाग लगेगा, 1 का भाग लगेगा, 2 रुपए वाले में 2 का भाग लगेगा, 25 पैसे वाले में 4 का भाग लगेगा, 20 पैसे वाले में कितने सिक्के होते हैं, 5 से डिवाइड करेंगे तो इसका भाग लगेगा 1 आया, इसका भाग लगाए 1, इसका भाग लगा भी 1 तो इसका भाग लगाए 1, कितना है, 1 2 3 4, तो 400/4 कट गया, कितना है 100। तो 20 पैसे कितने सिक्के होंगे, देखो आपको 100 × 5 = 500 सिक्के, 500 सिक्के इसका राइट आंसर हो जाएगा। बीस पैसे सिक्के कितने होंगे, 500।
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है देखिए, अब देखो थैले में 20 रुपए, अब नौवें क्वेश्चन में क्या दिया है, 20 रुपए दिया, 10 रुपए दिया और 5 रुपए इतके सिक्के रखे हैं, नोट रखे हैं, क्या रखे हैं, नोट एक बैग में, 3 4 5 जिनका अनुपात क्या है, 3 अनुपात 4 अनुपात 5 और रुपए हैं 1000 रुपये। आप सब पूछे 5 रुपए कितने नोट हैं, 5 रुपए के नोट बताना है, ठीक है। देखिए तो अब ये अनुपातिक पहलू दिया तो अपन 3 को क्या करेंगे, 3x कर लेंगे, है ना, धन 4x धन 5x, ठीक है 1000। लेकिन अब इसमें क्या करेंगे, इसे इसके सिक्के कितने कितने नोट है, 20 नोट, तो इसको 20 से गुणा कर दो, फिर 4 रुपए वाले में कितने हैं, 10 से गुणा कर दो, इसी तरह 5 रुपए वाले में 5, ठीक है। इसके नोट कितने, 5 रुपए के अनुपात 5 है तो 5 से गुणा कर दो, अनुपात ही पहलों का गुणा कर दो, तो 20 किया कितना हो जाएगा, 60x हो जाएगा, 10 4 40x हो जाएगा, 5 5 25x हो जाएगा, जोड़धन को 100 और 125, यानी कि 1000/125 और काटेगा कितने बार कटेगा, 8 बार, यानी कि x बराबर 8। अब आपसे पूछेंगे 5 रुपए का नोट, तो 5 रुपए अनुपात कितना है अपने पास, 5 है, तो 5 × 8 तो 5 8 40 नोट, 5 रुपए कितने नोट हो जाएंगे, 40 नोट, ठीक है, 5 रुपए के 40 नोट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन आप समझ रहे हैं, देखिए लास्ट वाला क्वेश्चन है, देखिए 1 रुपए 50 और 10 पैसे सिक्के हैं, 1 रुपए के हैं, 50 पैसे के और 10 पैसे के हैं, 3 4 8 जिनका अनुपात है 3 अनुपात 4 अनुपात 8 है और कितने रुपए है, 116, ठीक है। और आपसे पूछा गया है 10 पैसे के सिक्के, ये वाला पूछा गया है 10 पैसे के कितने सिक्के हैं, आप कमेंट कीजिए, लास्ट वाला आंसर इसके लिए कितना आंसर होगा कमेंट कीजिए। देखिए इसमें 1 से डिवाइड होगा या 2 से डिवाइड होगा, और 10 पैसे वाले 10 पैसे में कितने 1 रुपये में कितने सिक्के होते हैं, 10, तो 10 से डिवाइड होगा, ठीक है, और यहाँ पे 3 आ जाएगा, 2 का भाग लगेगा 2 आ जाएगा, और यहाँ भाग लगेगा तो 0.8 हो जाएगा, ठीक है। और ये 116/, इनको जोड़ेंगे तो 3 × 2 5, 5.8 हो जाएगा, और 10 हटाएंगे तो ऊपर 10 चला जाएगा, और 58 × 2 116 और 10 × 2 20 20 आ जाएगा, ठीक है। और आपसे पूछा है 10 पैसे सिक्के, तो 20 × 10 के सिक्के का अनुपात कितना, 8, तो 8 × 2 कितना हो जाएगा, 16 160, 160 सिक्के हो जाएंगे, कितने सिक्के हो जाएंगे, 160। तो थैंक यू दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, थैंक यू।